हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया से है। दोस्तों, ये फॉर्म 22 जनवरी से स्टार्ट हो गया था और इसकी लास्ट डेट 7 फरवरी तक रहेगी। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट के अंदर आवेदन मांगे हैं जिनमें कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, फिलोसफी, मैथिली, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। इनमें इन्होंने बताया है कि पीजी डिग्री के अंदर जिनके 55% मार्क्स है वो एलिजिबल रहेंगे। 5% का रिलैक्सेशन रहेगा एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के लिए। दोस्तों, इन्होंने बताया है कि मास्टर डिग्री के अंदर आपके जो सब्जेक्ट है या लाइट सब्जेक्ट है उनके अंदर ही आप अप्लाई कर पाएंगे और जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं उनको अप्लाई नहीं करना है। इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है 4th नंबर पर। दोस्तों, जिनको एग्ज़ाम नहीं देना है उनके बारे में बताया गया है। जिनके पास कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप है जीसी से, नेट से, सीएसआर नेट, गेट, एमएचआरडी या टीचर फेलोशिप है, डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीएआर, डीएसटी इंस्पायर, ईडब्ल्यूएसआईआर, आईसीएचआर, किसी से भी कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप है तो वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे। दोस्तों, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर या है या एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है जिनको यूजीसी के अकॉर्डिंग पे स्केल वगैरह मिल रहा है तो वो भी यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रहेंगे। आगे आप देख लीजिएगा। और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ के लिए भी है, वो आप देख लीजिएगा, वो भी एलिजिबल रहेंगे। कुछ शर्तें हैं इनकी भी। देखिए दोस्तों, इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस बताई है। जनरल ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये फ़ीस रहेगी। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 700 रुपये फ़ीस रहेगी। या आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, ये एग्ज़ाम 100 मार्क्स का रहेगा, 80 मार्क्स का इंट्रेंस रहेगा और 20 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा, जिसमें कि फर्स्ट पेपर ये क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से आएगा और दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। दोस्तों, इन्होंने पासिंग क्राइटेरिया बताया है। जिनके 50% इंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आएंगे वो एलिजिबल रहेंगे इंटरव्यू के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी से है उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसके वोटिंग को 45% से ऊपर वाले पास माने जाएंगे। दोस्तों, इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम का टाइम बताया है, डेट तो नहीं बताई। पेपर 1 के लिए 11 से 12 बजे तक पेपर रहेगा और फिर 2 से 4 बजे तक रहेगा सेकंड पेपर। दोस्तों, इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट सेंटर भी बताया है, ये आप देख लीजिएगा कहाँ होगा। दोस्तों, ये रिजर्वेशन पॉलिसी बिहार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा, ये आप देख लीजिएगा। दोस्तों, इन्होंने आगे बताया है कि जिनके 10 मार्क्स दिए जाएंगे टीचर और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ को, जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस है और या JRF है किसी के पास। दोस्तों, हमने इस फॉर्म की डायरेक्ट लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर दे दी है, जहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म को और नोटिफिकेशन भी देख पाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। और यदि दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।